हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Q4 क्वार्टर रिजल्ट्स की, इनॉक्स इंडिया का। यहाँ पे इनॉक्स इंडिया का Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटकम। बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 13 मई 2024 का डेट था, आज ही की डेट था, और जस्ट अभी कुछ देर पहले रिजल्ट आता हुआ नजर आया। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें, कंपनी ने डिविडेंड तो यहाँ पे नहीं दिया है जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक। और यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसा है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। टोटल नंबर इन लाख्स में है और यहाँ पे 28,123 लाख का टोटल इनकम कंपनी ने किया है। यानी करोड़ में कन्वर्ट करें तो 281 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने इनकम किया, जो पिछले साल 241 करोड़ किया था और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 279 करोड़ का किया था। तो पिछले क्वार्टर से और पिछले साल से दोनों से यहाँ पे बहुत अच्छा एक तरह से जंप है और यहाँ पे एक तरह से गिरावट नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस कंपनी की जो खर्चे की, Q4 क्वार्टर में इन्होंने एक्सपेंसेस कितना किया, तो 224 करोड़ आपको खर्चा देखने को मिल रहा होगा होपफुली यहाँ पे। और इसके पिछले क्वार्टर में 220 करोड़ खर्चा की थी, पिछले साल 198 करोड़ का खर्चा करती हुई नजर आई थी। तो यहाँ पे खर्चा भी पिछले साल से अकॉर्डिंग बढ़ा है और पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी। यहाँ पे अगर हम देखें कंपनी का जो प्रॉफिट है 42 करोड़ का, यहाँ पे कंपनी ने टोटल प्रॉफिट करती हुई नजर आई है, जो पिछले क्वार्टर में 44 करोड़ की थी, पिछले साल 32 करोड़ का की थी। तो 32 करोड़ से तो बहुत अच्छा जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने एक तरह से क्वार्टर एंड क्वार्टर नहीं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे जंप की है। साथ में यहाँ पे 186 करोड़ का चारों क्वार्टर मिला के प्रॉफिट हुआ, जो पिछले साल 156 करोड़ का था। तो यहाँ से ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत अच्छा जंप है यहाँ पे इनॉक्स इंडिया लिमिटेड का Q4 क्वार्टर के रिजल्ट में। 4.73 रुपये का EPS भी, बेसिक EPS देखने को मिल रहा है, जो पिछले साल 3.61 रुपया का था, पिछले क्वार्टर में 4.95 रुपया का था। तो दोस्तों, ये था बेसिकली इनॉक्स इंडिया का यहाँ पे Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स, बेसिकली जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए चुका हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे और अदर अपडेट तो अभी के टाइम पे मैं मुझे देखना पड़ेगा पूरा ये डिटेल्स में सारी चीज़ें, तो क्योंकि आपको अपडेट करना होता है इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, इनॉक्स CBA का यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपके साथ साझा कर चुका हूँ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं हमारी तरफ से होगा, आप अपने एनालिसिस के आधार पर ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों।